हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस निशा एजुकेशन। और आज हम राष्ट्रवाद का, मतलब जिसको हम इंग्लिश में नेशनलिज्म कहते हैं, उसका मीनिंग जानेंगे कि नेशनलिज्म किसे कहते हैं। तो राष्ट्रवाद जो है राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना, ठीक है, मतलब दिल में प्यार उमड़ना, अपने राष्ट्र के लिए प्यार दिखना। जैसे कि हमारे देश में अगर कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ अच्छी हो रही है तो हमें अच्छा लगे सोच के, हमें जो है अपनी कंट्री दूसरी कंट्रीज से अच्छी लगे, ठीक है, हमें अपना देश दूसरे देश से अच्छा लगे, दूसरे देश के सामने हमें लगे कि नहीं, हमारा भारत ज़्यादा महान है, इस चीज़ की भावना होना। प्रगति, अगर हमारे देश में प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है, तो उसके लिए हम जो खुश होते हैं अंदर से, तो ये एक तरीके की क्या है, फीलिंग है, ठीक है, अ फीलिंग ऑफ लव, ठीक है, एक प्यार भरी फीलिंग है। ये किसके प्रति? राष्ट्र के प्रति। और राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र जो है, वैसे तो हम देश को राष्ट्र कह सकते हैं, लेकिन राष्ट्र का एक अलग मीनिंग होता है। राष्ट्र का मतलब होता है जैसे कि बहुत सारे लोग जो आपस में जुड़े हुए होते हैं ना किसी वजह से। जैसे कि हम एक फैमिली में रहते हैं, और हम किस वजह से एक फैमिली में जुड़े हुए हैं? क्योंकि हम उस फैमिली में पैदा हुए हैं, हम एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, हमारी पसंद एक जैसी है, और हम किसी ना किसी वजह से उसमें जुड़े हुए हैं, तो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं फैमिली में। वैसे तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, पर कोई तीसरा आके कुछ कर देता है तो क्या होता है, सब उसके खिलाफ़ बोलने लग जाते हैं। वैसे ही राष्ट्र में होता है, ठीक है, राष्ट्र में क्या होता है कि हम एक ही चीज़ से जो है ना किसी चीज़ से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो हमारा कल्चर हो, चाहे वो हमारी लैंग्वेज हो, मतलब हमारी भाषा, या फिर हमारी कोई भी मतलब ऐसी चीज़, हमारे रहने सहने का तरीका, खान पान का तरीका, मतलब जिस वजह से हमारा इतिहास हो, सबका इतिहास एक जैसा रहा हो, जिस वजह से हम एक दूसरे से जो हैं जुड़े हुए हैं, तो हम जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो होती है राष्ट्र, ठीक है, कि हम एक ही राष्ट्र का हिस्सा हैं। जैसे कि हमारी तकरीबन हाइट और कलर सेम होता है, हमारी लैंग्वेज सेम है, तो हम एक दूसरे को उस चीज़ से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और ये फीलिंग आपको यहाँ पता नहीं चलेगी। मान लीजिए आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं और उस वहाँ पर आपको अपने ही देश का कोई प्राणी मिल जाता है, मतलब कोई भी, ठीक है, कोई इंसान वहाँ पे आपको अपने ही देश का मिल जाता है, तो आपको जो फीलिंग आएगी, अरे आप भी इंडियन हो, मैं भी इंडियन हूँ, और घंटों बैठ के जो आप बात करोगे ना वहाँ पे, तब आपको पता चलेगा कि हम एक ही राष्ट्र के हैं, ठीक है। तो राष्ट्र का मीनिंग आपको समझ में आ गया। और राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना, मतलब दिल में प्यार होना, एक फीलिंग, एक प्यार की फीलिंग, एक अच्छी फीलिंग कि हमें अपनी कंट्री जो है दूसरी कंट्री से बेहतर लगे, ठीक है। आई होप आपको ये जो है मीनिंग समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और इस टाइप के और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।